हेलो फ्रेंड्स, देखो ये हमारा मिक्कू है। इसको कुछ खाना होता है तो ऐसे ऊंचा हो के ये देखता है और ये अपने आप को खुद ही साफ कर लेता है। इसको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये अपने सारे शरीर को इसी तरह से चाट चाट के साफ कर लेता है। देखिए इधर उधर सब जगह से ये साफ कर लेता है। हम तो हमारी मौली से भी कहते हैं, तुम क्यों नहीं अपने आप को ऐसे साफ करती हो। देखो ये मिक्कू को जामुन खाना है, उसको खुशबू तो आ गई लेकिन कहाँ है ये पता नहीं चल रहा है। तो देखिए किस तरह से जामुन के लिए वो ऊंचा होएगा। ये देखो मिक्कू को खाने के लिए बुलाते हैं तो वो दौड़ के जाता है। देखिए एक दिन हमने मैगी बनाई थी तो मैगी मिक्कू को भी बहुत पसंद है और देखो वो किस तरह से खाता है। मिक्कू करीब करीब हर चीज़ खाता है, ओरियो के बिस्कुट भी इसे बहुत पसंद हैं। ये दाल चावल है, यदि इसको कोरे चावल देते हैं तो ये नहीं खाता है और दाल चावल मिला के देते हैं तो देखो कितने मज़े से खा रहा है ये। और इसको जब भूख नहीं लगती है तो कटोरी हटा देता है। ये देखो मौली उसके सामने कैसी कैसी आवाज़ें निकालते हैं तो वो अपने पास ही आती है। ये देखो, और यहाँ मौली अपने मन पसंद सॉसेज खा रही है, कभी कभी हम खिला देते हैं उसको। और देखो मिक्कू खाने की करेगा, मौली उसको खाने नहीं दे रही, बेचारा लेने की पूरी कोशिश कर रहा है पर डर के मारे जा नहीं पा रहा आगे। मेर से बोल रहा है, दिलाओ ना मम्मी। फिर अपने आप को साफ करने लगा वो। मौली हालांकि उसको कभी मारती नहीं है, कभी भी एक पंजा भी उसने मिक्कू को टच नहीं किया, पर बस ऐसे ही डराती है उसको। मिक्कू को खाना तो मिल गया पर ज़्यादा देर नहीं चलेगा, मौली उससे वापस छीन लेगी। ये देखिए मौली सारा खा गई। मौली इसकी चीज़ें कभी नहीं खाती, धनिया है कुछ भी खीरा है, लेकिन ये सारी चीज़ें मौली की ज़रूर खाता है, बिस्किट भी खाता है मौली के। मौली इसीलिए उसको भगा रही है, चल अपनी चीज़ें तो नहीं खाता मेरी खाता रहता है। फिर आ गया देखो मिक्कू घूम के इधर उधर से। ये दोनों ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं, हम तो दोनों को कभी कभी देखते रहते हैं कितने अच्छे से रहते हैं ये। मौली बस उसको ऐसे ही डराती रहती है। शुरू में तो हमने मिक्कू को पिंजरे में रखा था लेकिन धीरे धीरे फिर इसको बाहर रखने लगे क्योंकि देख लिया मौली इसके कुछ नहीं करती है। मिक्कू ने सोचा चलो पानी पी लेते हैं अब।
मोली देख रही है इसको। चलो पानी तो पीने देते हैं, कोई बात नहीं मिक्कू, पानी पी ले तू। मोली को कलर वाले बिस्कुट बहुत पसंद हैं। इसमें देखो कोका कोला कलर का बिस्कुट ये सबसे पहले खाती है। हम कई बार इधर उधर रख के भी देख चुके, परंतु ये सबसे पहले यही वाला कलर का उठाती है। उसके बाद ग्रीन कलर का और फिर ऑरेंज कलर का खाएगी। जैसे बच्चों के बिस्किट वगैरह होते हैं, इसी तरह से हमको मोली के लिए भी रखने पड़ते हैं। देखो कितना स्वाद आ रहा है मोली को बिस्किट का। मिक्कू भी इसके पीछे पीछे ही आता रहता है। हम ओरियो का बिस्कुट दे रहे थे मिक्कू को, तो देखो किस तरह से लेके जाएगा और पलंग के नीचे जाके खाएगा। ये कुछ भी चीज़ लेके जाता है तो पलंग के नीचे बैठ के खाता है। ये देखो एकदम अंदर घुस के खाता है। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो गया है, हमने लाइट जला रखी है, पर फिर भी एकदम अंदर है ये मिक्कू इसलिए। और मोली उससे देखो बिस्किट भी छीनने गई, लेकिन मोली के तो एकदम मीठा नहीं देते हैं डोगियों को, तो हम उसको बुला रहे हैं। ये देखो आ गई मोली, और अब हम मोली को बिस्किट के लिए बोल रहे हैं। मोली चलो बिस्किट देंगे, तो देखो कैसे दौड़ के आई है ये। और हम इसका जहाँ सामान रखते हैं उस कमरे में आ गई है। इसको पता है इस अलमारी में मेरा सामान रखा रहता है। और हम इसको कैल्शियम वाली बोन देंगे, फिर ये मज़े से कूलर में बैठ के आराम से खाएगी। ले हम इसको रोज एक कैल्शियम बोन कभी भी दे देते हैं, इससे इनकी हड्डी मजबूत रहती है। एक दिन हमने बिस्कुट की लाइन लगा दी, देखिए मोली खाते खाते इधर आएगी, लेकिन मोली को बहुत आलस आ रहा था और बस एक ही जगह पे बैठ के वहीं से बिस्कुट ले रही थी जितने आ रहे थे उसके मुंह में। बहुत देर में इसने ये बिस्कुट की लाइन ख़त्म करी थी। दोस्तों घर में यदि डॉगी होता है तो बच्चों का भी बहुत मन लगता है और वो उसके साथ खेलते रहते हैं। अब 3 बिस्कुट बचे हैं मोली के, अब बस एक ख़त्म। ये देखिए यही बिस्कुट हमने मिक्कू को भी दिए। वो तो कुछ भी चीज़ों पलंग के नीचे जाके खाता है। थैंक्स।